आज पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। मुरादाबाद के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर इस दिवस को मनाने के लिए काम भी किया गया। सभी लोगों ने हाथ धोने के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए संदेश भी दिया गया। शहर के कई स्कूलों में इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। भले ही स्कूल में बच्चे नहीं थे, मगर शिक्षक शिक्षिकाओं ने पहुंचकर इस दिवस को मनाने के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। सभी विद्यालयों में सभी ने हाथ धोने के साथ साथ हाथ धोने के तरीके सभी को बताए। इस मौके पर ये भी बताया गया है, इसमें कोरोना महामारी का समय चल रहा है और हम सब ऐसे हाथ धोने के जो प्रयोग हैं उनको सभी को बताएंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। मुरादाबाद के कई सरकारी कार्यालयों पर इस हाथ धुलाई दिवस को मनाया गया। सभी अधिकारियों ने एक दूसरे से दूरी बनाने के साथ साथ इस दिवस को मनाया और साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी किया। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर सभी को हाथ धोने के तरीके बताए और ये कहा है कि कोरोना महामारी के समय यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन बीमारियों से दूर रहेंगे। सरकार का जो अभियान है उसको सफल बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का ये कहना है कि पूरे देश में आज इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसी के अंतर्गत आज मुरादाबाद में सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आप अपने हाथों को ठीक ढंग से धोएं तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का ये कहना है कि आज मुरादाबाद के सभी स्कूलों में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी सभी को संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। यह अभियान आगे भी ऐसी जारी रहेगा। आने वाले समय में स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के माध्यम से इस अभियान को और आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसको एक अभियान के रूप में सभी कार्यालयों में और सभी विद्यालयों में इसे सेलिब्रेट किया जाए। तो उसके लिए संबंध में मेरे द्वारा निर्देश सभी विद्यालयों को दिया गया था और मेरे अपने स्वयं के कार्यालय में भी हमारे कार्यालय के जितने भी सहायक हैं उनके द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस को सेलिब्रेट किया गया। सबने जो हाथ धुलने के तरीके हैं जिससे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं उस तरीके से लोगों ने हाथ धोला और उसके बाद सभी विद्यालयों को भी ये निर्देश दिया गया कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय स्टाफ के साथ इस हाथ धुलाई दिवस को सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही साथ जो ऑनलाइन हमारे क्लासेस चल रहे हैं या जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसके माध्यम से यह मैसेज सभी बच्चों तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे खाना खाने के पहले और शौच के बाद अपना हाथ अच्छे ढंग से धुलें, क्योंकि हाथ धोना ही कोरोना से बचाव का एक सबसे बड़ा माध्यम है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक लोगो डिसाइड किया है और हाथ धोना रोके कोरोना। यह हाथ धोना रोके कोरोना, हम सब जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण जो वर्तमान में है यह एक वायरल डिजीज है और संक्रमित करने वाला डिजीज है और इसको हाथ धुल करके हम इस वायरस को हाथ के स्तर पर ही हम इसे समाप्त कर सकते हैं और हम कोरोना से स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो इस पर हमारा अनुरोध है सभी मुरादाबाद के सम्मानित नागरिकों से, सभी शिक्षक साथियों से, सभी अभिभावकों से कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर हाथ धुलने के जो टेक्निकल तरीके हैं, जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें वो तरीके बताए गए हैं कि हाथ को कैसे धुलना है, कि अगर कोई भी विषाणु या कीटाणु हाथ में मौजूद है तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए और हम अपने स्वयं को और अपने परिवार को और इस समाज को कोरोना के इस संक्रमण से बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।